दोस्तों अगर आप इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हो तो भूल कर भी नहीं करनी है आपको 10 गलतियां। दोस्तों देखो एक साफ मैं बात बता देता हूं, बेशक आप 4:20 की भाग रहे हो, चाहे 4:30 की भाग रहे हो, चाहे 5 मिनट से नीचे क्यों नहीं भाग रहे हो मेरे भाई, लेकिन अगर आप ये सब गलतियां करते हो तो आप इंडियन आर्मी में नहीं जा पाओगे। तो दोस्तों गलतियां बताने से पहले मैं अपने बारे में बता दूं, दोस्तों मैं खुद स्टेट नेशनल लेवल खेल रखा है और मेडल भी है, आर्मी के कैप्टन सर के साथ मैंने काम भी कर रखा है, चाहे मेडिकल का हो चाहे फिजिकल का हो, सारा कुछ काफी ज्यादा एक्सपीरियंस इस चीज में आ चुका है। दोस्तों डिफेंस के काफी लोगों को मैंने ट्रेनिंग दे रखी है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। दोस्तों ये इसलिए मैं बता रहा था कि आप मेरी वीडियो पर अच्छे से ट्रस्ट करो और अच्छे से फॉलो करो। दोस्तों अब मैं बात करूंगा पहले पॉइंट की। दोस्तों सबसे पहला गलती आप क्या कर रहे हो अभी के टाइम पे, अभी क्या है, भर्ती नहीं आ रही, डेट नहीं आ रहा, 2 साल हो गया चाहे 3 साल हो गया, मैं मानता हूँ दोस्तों अभी आप क्या कर रहे हो कि हाँ भाई भर्ती तो नहीं आ रही आराम से, जब भर्ती आएगी जभी मैं ट्रेनिंग करूँगा, तभी मैं चाहे एकेडमी में ट्रेनिंग करूँगा चाहे कुछ भी करूँगा। दोस्तों एक चीज़ याद रखना, 2 साल से बेशक आप ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो, चाहे अभी ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो, लेकिन 2 साल से 3 साल से भर्ती नहीं आई तो बाकी लोग भी कुछ ना कुछ लोग ऐसे हैं जो ट्रेनिंग कर रहे हैं और आप ट्रेनिंग नहीं कर रहे। और दोस्तों इस बार भर्ती आएगी तो बहुत भीड़ भी होगी और बहुत लोग अच्छे से ट्रेनिंग करके प्रिपेयर भी होंगे। दोस्तों मैं बात करूंगा दूसरे गलती की। दोस्तों होता है क्या, जब आप भर्ती देने जाते हो तो आपको वहां पे वार्म करने का नहीं देता, बस बिठाया, एक दो सूट लगवाया, बस आपको सीधा फिजिकल दौड़वा दिया। अब क्वेश्चन ये उठता है, क्या हमें प्रैक्टिस में बिना वार्म अप के ट्रायल देना चाहिए या प्रैक्टिस करना चाहिए? तो दोस्तों आपको मैं एक चीज बता दूं, आपकी भर्ती एक बार आपको भागना पड़ता है, लेकिन आपको जब ट्रेनिंग करना पड़ता है, हर रोज ट्रेनिंग करना पड़ता है, हर महीने ट्रेनिंग करना पड़ता है, काफ़ी टाइम तक ट्रेनिंग करना पड़ता है और हर तरह का वर्कआउट करना पड़ता है, कभी स्पीड वर्कआउट होता है, कभी पावर वर्कआउट होता है, कभी इस टाइप से आपका वर्कआउट होता है। दोस्तों आपको मैं बता दूं, अगर आपका भर्ती में आपको वार्म करने नहीं देते तो आपको ट्रेनिंग में और ट्रेनिंग जब ट्रायल लेते हैं उसमें आपको वार्म करना है। क्यों करना है ये बता दूं, अगर आप अच्छे से वार्म अप नहीं करोगे तो दोस्तों आपको बता दूं मैं, इंजरी आ जाएगी, आपको इंजरी आ गई तो 2 से 3 महीने आपके खा लेंगे। आपको देखना है कि आपको ट्रेनिंग में वार्म करना है नहीं करना, ट्रायल में आपको करना ही नहीं करना, क्योंकि मैंने इससे पहले एक वीडियो भी देखी थी कि बोलते हैं कि भाई आपको भर्ती में वार्म करने देते नहीं तो आपको क्यों प्रैक्टिस में वार्म करना या क्यों आपको ट्रायल में वार्म करना। दोस्तों आपको एक चीज मैं बता दूं, जब आपकी भर्ती आती है आपकी पूरी बॉडी खुल जाएगी चाहे आपको ट्रेन वार्म करने दे या ना। दोस्तों आपको क्या करना है, भर्ती से कुछ दिन पहले हल्का फुल्का रेस्ट कर लो, ठीक है। जब आप भर्ती देने जाते हो, मॉर्निंग में जाते हो, तो आप ट्राई करो गर्म पानी से नहा लो, ठीक है, आपकी बॉडी खुल जाएगी, अच्छे से हल्का फुल्का तेल वेल लगा लो, उससे आपकी बॉडी और खुल जाएगी। जब आप भर्ती पे बैठते हो, वहाँ पर जहाँ पर आपको बिठाया जाता है, वहाँ पर आपके पास मूव हो चाहे जेल हो चाहे कुछ भी हो, लगा लो एक सूट लगा लो, आपकी बॉडी यूँ खुल जाएगी, मैं इतना कहता हूँ। तो आपको ट्रेनिंग में आपको वार्म करना है, ट्रायल में आपको वार्म करना है। जो चीज़ मैंने आपको अभी बताया टिप्स, आपको भर्ती में कैसे क्या करना है, आप एक बार ट्रायल में आप यूज कर सकते हो। तो दोस्तों मैं बात करूंगा तीसरे गलती की, जो कि बहुत बड़ा पॉइंट है। अगर आपका बेशक इसमें 4:20 4:30 जाता हो, लेकिन अगर आपका चेस्ट में दिक्कत है तो आप मेडिकल में निकल सकते हो। दोस्तों होता है क्या है, बंदे बहुत हार्ड वर्कआउट करके बहुत पसीना बहा के अपनी बॉडी का वेट कम कर लेते हैं, टाइम बेशक अच्छा जाता है लेकिन बॉडी वेट कम कर लेते हैं और चेस्ट उनका नहीं बन पाता और फिजिकल में वो बाहर हो जाते हैं। 77 आपका मांगा जाता है, 5 सेंटीमीटर फुलाया जाता है तो 82 के आसपास मांगा जाता है आपका। तो एक चीज याद रखना, चेस्ट के लिए हमें क्या करना है ये समझ लो। दोस्तों आपको सबसे पहले वर्कआउट एक शेड्यूल के हिसाब से ही फॉलो करना है, पहला चीज। दूसरा आपको डाइट एक प्रॉपर अच्छे से, ठीक है, अगर मान के चलो आपका वेट कम हो रहा है तो आप वेट बढ़ाने वाला कुछ खा सकते हो, जैसे केले हो गए, आलू हो गए, ठीक है, प्रोटीन वाली चीज़ तो आपको लेनी लेनी है, इस टाइप से आप डाइट ले सकते हो। फिर उसके बाद आपको करना है, अगर ज़्यादा ही आपका चेस्ट कम है तो आप जिम में ऐड कर सकते हो, कौन कौन सा वर्कआउट ऐड कर सकते हो ये वाली वीडियो देख। तो आपको चेस्ट बढ़ाने के लिए आपको बेंच प्रेस करना है, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है। अगर दोस्तों आपको समझ में नहीं आता कि करना कैसे है कैसे नहीं करना, अगर जिस जिम में आप जाओगे वो जिम वाले से आप पूछोगे कि मेरे को इंडियन आर्मी में जाना है और मेरा चेस्ट कम है, मेरे को सिर्फ वीक में 2 दिन चेस्ट का वर्कआउट अच्छे से करा दो, तो दोस्तों आपको बहुत अच्छे से करा देगा। दूसरा दोस्तों ये सेम टू सेम 3 तरह के बैच होते हैं, जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा है, ठीक है, वो जिम वाला आपको अच्छे से बता देगा। और ये दोस्तों एक्सरसाइज बटरफ्लाई आपको जरूर ऐड करना है अगर आपका चेस्ट बिल्कुल नहीं बढ़ रहा, और आपको इसमें साथ में डाइट भी ऐड करना है। अगर दोस्तों आप जिम वाला वर्कआउट ऐड करते हो तो आपका चेस्ट जरूर बढ़ेगा। तो दोस्तों मैं बात करूंगा चौथे गलती की, जो कि सबसे ज्यादा दिक्कत आती है अंडाशय। अंडाशय के ऊपर मैं बात करूंगा दोस्तों, सबसे जरूरी चीज है ये समझने की कोशिश करना। ये मैंने अपने एकेडमी में ही फोकस करा, ठीक है, बहुत लोगों ने वीडियो बनाया भी होगा लेकिन मैंने अपने एकेडमी में फोकस करा, ठीक है। मैंने क्या देखा, जब मैं ट्रेनिंग कराता हूँ तो बंदे क्या करते हैं, एक या तो टाइटी होती है, ठीक है, या टाइटी पहन लेंगे और अंदर कुछ नहीं पहनेंगे, तो उनका जो
हथियार मान लो, ठीक है, थोड़ा मजे में भी ले सकते हैं, हथियार मान लो, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी उधर जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप सोचते हो कि टाइट ही पहन के अगर मैं अंदर कुछ ना पहनूं, चाहे सपोर्टर ना पहनूं, तो उसमें बंदे का क्या होता है, जो अंडाशय होते हैं ना, उसमें पानी भर सकता है, और पानी भर गया ना भाई, तो उसमें आप मेडिकल में बाहर हो जाओगे। ठीक है, आपके अंडे ऊपर नीचे हो सकते हैं, 19-20 चल सकता है, लेकिन ज़्यादा ऊपर नीचे हुए तो आप मेडिकल से सीधा बाहर हो सकते हो। बेशक आप उसमें 4-20 की 4-30 की क्यों ना लगा लो। तो आपको एक चीज़ अभी से ध्यान रखना है, आपको सपोर्टर पहनना ही पहनना है। अगर आप सपोर्टर नहीं पहनते तो आपको मेडिकल में दिक्कत आ सकती है। तो दोस्तों मैं बात करूंगा पांचवें पॉइंट की, हस्त मैथुन सेक्स करना है नहीं करना, समझ नहीं आता भाई। देखो मैं ज़्यादा आपको ये नहीं बोलूँगा करना है कि नहीं करना। देखो दोस्तों, बस मेरा इतना मानना है, अगर लिमिट में करा जाए ना तो सब कुछ बेटर है। चाहे खाना खा रहे हो लिमिट में खाओ, चाहे आप हस्त मैथुन चाहे सेक्स करो लिमिट में करो, वो ज़्यादा बेस्ट है। लेकिन जो चीज़ मैंने अपने आप में फॉलो करा, देखो दोस्तों 10 साल मैंने इस फील्ड में दिया है, तो काफ़ी चीज़ इस चीज़ के बारे में मैं आपको बता सकता हूँ, अच्छे से बता सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने एक चीज़ नोटिस करा, जब आपकी भर्ती आती है, मान के चलो लास्ट के 2 महीने होते हैं, ठीक है, तब दोस्तों आप ट्राई करो, ना तो हस्त मैथुन करो, ना तो आप सेक्स करो। इससे क्या होगी, आपको माइंडली माइंड हमारा ऐसा है ना कि हाँ आप हस्त मैथुन कर लोगे चाहे सेक्स कर लोगे, तो उसमें क्या है यार, हमने यार आज ये कर लिया, मेरी बॉडी नहीं चलेगी। दोस्तों देखो, असल में ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये माइंड का खेल है। तो आपको ट्राई करना है, ना तो आपको किसी गर्लफ्रेंड से मिलना है, ना ज़्यादा बात करना है, ना हस्त मैथुन करना है, ना सेक्स करना है। देखो जो जेन्युइन चीज़ है, मैं खुल के बता रहा हूँ मेरे भाई, जो जेन्युइन चीज़ है वही मैं बता रहा हूँ। तो 2 महीने आपको इन सब चीज़ों से दूर रहना है, जैसे कि वीडियो भी देख लेते बंदे, तो इन सब चीज़ से दूर रहना है, और फ़ोन चलाना खुद ही बंद कर देना है, और ट्रेनिंग पे अपना फोकस अच्छे से करना है, तो ये आपका माइंड से निकल जाएगा। तो ये गलती आपको नहीं करनी। दोस्तों मैं बात करूंगा छठे पॉइंट की, छठे गलती की, जो कि बहुत लोग पूछते हैं कि भाई हाँ मैं जब भर्ती देने जाता हूँ या भर्ती कुछ दिन बचे रहते हैं, तो मेरे को बंदे बता देते हैं कि भाई ये इंजेक्शन ले या ये गोली खा ले या ये मतलब केले दूध पी के जाएगा तो मतलब बहुत तेज भागेगा, या ये खा लेगा तो मतलब बहुत तेज भागेगा। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जब आपकी भर्ती का टाइम होता है, आपको ट्राई करना है कि जब लास्ट के 15-20 दिन बचे, 3 दिन बचे, 4 दिन बचे, जितना लास्ट का समय बचता है, आपको लिक्विड वाली चीज़ ही पीना है। ठीक है, जैसे चाहे आपका जूस हो गया, ठीक है, जितनी भी लिक्विड वाली चीज़ हो आपको पीना ही पीना है। और एक चीज़ गलती बंदे क्या करते हैं कि भर्ती देने जाते हैं, अचानक से बंदा बोलता है भाई ये इंजेक्शन लगा ले, ठीक है, और भागे घोड़े जैसे। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ में बता देता हूँ, सिंपल एक वर्ड बताता हूँ आपको, बहुत बंदे कमेंट करेंगे कि भाई क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, मैं सिंपल एक बताता हूँ, जब आप ट्रेनिंग में जब तक यूज ना करो उस चीज़ को, चाहे कुछ भी हो, चाहे आप केले खा रहे हो, चाहे दूध पी रहे हो, चाहे कुछ भी खा रहे हो, जैसे आप ट्रेनिंग में यूज करते हो वैसे ही आपको भर्ती में यूज करना। नहीं तो अगर आप सोचोगे ना कि भाई ट्रेनिंग में मैंने अलग यूज करा और उसमें भर्ती में अचानक से ये चीज़ यूज कर लूँगा, तो भाई देखो आप वहाँ से भर्ती में फेल हो सकते हो अपने फिजिकल में, ये चीज़ आता है। तो आपको ध्यान रखे रखना है, जो भी चीज़ आप यूज करने की सोचते हो, जो भी चीज़ खाने की सोचते हो, पहले उसे ट्रेनिंग में यूज करके देखो, अगर जब आपको कंफर्टेबल लग रहा है तब आपको भर्ती में यूज करना है। तो ये गलती नहीं करनी कि हाँ भाई कुछ किसी ने कुछ भी बता दिया और वो खा लिया, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों मैं बात करूंगा सातवें पॉइंट की, लेकिन दोस्तों सातवें पॉइंट बताने से पहले, जो भाई अकेडमी आना चाहता है राजस्थान सीकर में, हमारी अकेडमी है, अच्छी ट्रेनिंग कराई जाती है, पूरी सामान की फैसिलिटी है। और जो भाई अकेडमी नहीं आ सकता, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग, ठीक है, पूरा गाइड करा हुआ है, डाइट कैसे लेना है, वर्कआउट करना है, वीकली वर्कआउट पूरा डिटेल्स 1600 मीटर का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, या तो आप विनोद डिफेंस एकेडमी करके आप प्ले स्टोर पर जाके चेक कर सकते हो। तो दोस्तों मैं बात करूंगा सातवें पॉइंट के, क्रिमिनल केस के ऊपर। दोस्तों बहुत लोग क्या होता है ना, अपने आप को वो समझते हैं कि हाँ मैं तगड़ा बंदा हूँ या मेरे से कोई नहीं भिड़ सकता, कभी भी किसी से लड़वा लो। तो एक चीज़ मैं बता दूँ दोस्तों, इन सब से आप जितना दूर रहो ना, क्योंकि देखो आपको वर्दी लेनी है तो क्रिमिनल केस आपसे नहीं करना चाहिए। बंदे बोलेंगे कि मेरी वो पहुँचे, भाई बाद में कोई पहुँच नहीं आता, एक चीज़ आपको, ठीक है, आपको ट्राई करना है कि लड़ाई झगड़े चोरी छेड़खानी, ठीक है, मर्डर, इन सबसे आपको दूर रहना है, किसी के लफड़ों में ज़्यादा नहीं पड़ना। मैं मानता हूँ दोस्तों हेल्प करनी चाहिए, लेकिन अपनी सेफ्टी भी देखनी है। अगर आपको वर्दी चाहिए तो आपको ये सब चीज़ ध्यान रखना है। अगर आप बाई चांस होता है ना कि बंदा बोलता है कि भाई मेरा बेशक केस हो जाए, कुछ भी, मैं करेक्टर सर्टिफिकेट बना लूँ, दोस्तों देखो करेक्टर सर्टिफिकेट बेशक आप बना लो, आर्मी की भर्ती भी दे लो, लेकिन आपको वहाँ पर कैसे ना कैसे चेक करके आपको वहाँ पर रिजेक्ट कर देंगे। तो अभी से यह चीज़ आप पॉइंट ध्यान रख लो। तो दोस्तों मैं बात करूँगा आठवें पॉइंट की। दोस्तों बहुत बंदे क्या होते हैं ना, जब भर्ती का टाइम होता है, चाहे फिजिकल का टाइम होता है, चाहे बंदे ने फिजिकल निकाले, तो बंदे या पहले ही कुछ कुछ जगह ऐसा होता है कि भाई तू मेरे को 10 लाख दे दे या 4 लाख दे दे या चाहे 3 लाख दे दे, मैं तेरी पक्का भर्ती लगवा दूंगा।
देखो दोस्तों, पहली बात तो मैं बता दूं, होते भी हैं, लगवाने वाले होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा नहीं होते हैं, काफी होते हैं, लेकिन बहुत ऐसे होते हैं जो कि फेक होते हैं, ब्रोकर होते हैं, दलाल होते हैं कि हाँ भाई पैसे दे दिया तुमने, चेक कुछ 5,000 दे दिया, 50,000 दे दिया, 60,000 दे दिया, 1,00,000 दे दिया, तो उसके बाद दूसरे दिन फोन नहीं उठाते। ठीक है, एक तो पहला ये चीज, और दूसरा ये चीज होते हैं कि हाँ भाई मैं तुम्हारी पक्का भर्ती लगा दूंगा, और बंदा लग भी जाता है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं लगता, बंदा लग भी जाता है, फिर बाद में क्या होता है, 2-3 साल नौकरी करता है, फिर उसको वो चीज़ पकड़ में आ जाता है, बंदा 2-3 साल बाद उसको मजबूरन छोड़नी पड़ती है। तो दोस्तों आप ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ के चलो कि बंदा सोचता है ना कि भाई मैं पैसे दे के जॉब लग जाऊँगा, ये लग जाऊँगा, ये लग जाऊँगा, देखो लग सकते हैं लेकिन रिस्की बहुत है, आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ आपको गलती नहीं करनी, यहाँ पे किसी के दलाल के चक्कर में पड़ गया कि हाँ भाई पैसे दो और मैं आपको लगा दूंगा, तो ये गलती आपको कभी नहीं करनी। तो मैं बात करूंगा 9वें पॉइंट की। दोस्तों बहुत भाई लोग क्या करते हैं ना, सोचते हैं कि भाई मेरी एज निकल गई है तो मैं दोबारा 10वीं करके दोबारा डेट ऑफ बर्थ कम करके फिर दोबारा मैं भर्ती दे सकता हूँ। बहुत लोग करते हैं और बहुत लोगों ने करा, ये चीज़ मैंने खुद देखा है अपने आंखों से, मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये चीज़ मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ मेरे भाई। ठीक है, मेरे अब आज मैं अकेडमी चला रहा हूँ चाहे कुछ भी चला रहा हूँ, तो मैंने बहुत सारी ये चीज़ देखी है। तो अब इसमें गलती क्या होती है, देखो बहुत लोग दे भी लेते हैं, ठीक है, और बहुत लोग आपने देखा भी होगा कुछ समय पहले न्यूज़ में भी आया था कि बहुत लोग 10वीं दोबारा करके पकड़े गए, उनको रिजेक्ट कर दिया गया, मतलब लाइफ ख़राब हो गई। तो आपको एक चीज़ याद रखना है, 10वीं आपको दोबारा नहीं करनी, क्योंकि देखो आजकल आधार कार्ड ये सब आ चुका है, तो बंदे कैसे ना कैसे करके पता लगा लेते हैं। हो सकता है कि यार आपको 10वीं करनी है चाहे कुछ भी करनी है, तो भाई मैं आपसे आपको सबसे पहले बोलूँगा अच्छे से इसके बारे में अच्छे से नॉलेज ले लेना, तभी आप ये चीज़ कदम उठाना, नहीं तो आपकी पूरी लाइफ खराब हो सकती है। तो ये गलती मत करना कि हाँ भाई मेरी एज निकल गई अब मैं दोबारा 10वीं करके कर लूँगा, तो ये गलती आपको नहीं करनी। बेशक आप 4:30 की मारते हो चाहे 4:20 की मारते हो, तो कोई आपकी टाइमिंग इसमें मैटर नहीं करता। तो मैं बात करूँगा 10वें पॉइंट की, लास्ट 10वें पॉइंट की मैं बात करूँगा दोस्तों, ये चीज़ आप समझना। देखो दोस्तों एक सिंपल सी बात है, चाहे आप 4:20 की लगा लो, चाहे 4:30 की लगा लो, चाहे मेडिकल आपका अच्छा हो, चाहे कितना भी फिट हो जाओ, डॉक्यूमेंट में मैं बात करूँगा, सबसे ज़्यादा आपको भी मालूम है कि बहुत हज़ारों लोगों में संख्या में करीब बंदे आते हैं और करीब कम से कम 40-50% डॉक्यूमेंट में भार हो जाते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट की मैं एक वीडियो दे दूंगा आपको अच्छे से, लेकिन समझ लो। तो डॉक्यूमेंट दोस्तों एक चीज़ याद रखना, डॉक्यूमेंट में आपको क्या ध्यान रखना है, जो भी आपका सर्टिफिकेट हो, चाहे आधार कार्ड हो, चाहे पैन कार्ड हो, चाहे सर्टिफिकेट हो, तो सब में ट्राई करना कि एक जैसा ही आपका डिटेल रहे। अगर आपका एक जैसा डिटेल नहीं रहेगा तो आप वहाँ पे भी भार हो सकते हो, आपका मैटर नहीं करता कि आप 4:40 लगा रहे हो, 4:20 लगा रहे हो, चाहे कुछ भी लगा रहे हो। तो ये चीज़ याद रखना, डॉक्यूमेंट की मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो दे दूँगा, काफ़ी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो दे दूँगा, और कोर्स की भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो दे दूँगा, अच्छे से देखना। तो दोस्तों ये सारी टिप्स अगर आप अच्छे से फॉलो करते हो और समझने की कोशिश करते हो, तो आपका मजाक नहीं मैं बता रहा हूँ कि काफ़ी अच्छा आपका आगे तक इंप्रूवमेंट आ सकता है, और आप जो आर्मी का आपका सपना है इसमें काफ़ी अच्छा लग सकता है। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और जो भाई अकेडमी आना चाहता है राजस्थान सीकर में हमारी अकेडमी है, और जो भाई ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहता है तो ये आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।